हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ काले भटका चोसा, जो कि गढ़वाल में काफ़ी ज़्यादा बनता है। मैं तो आज पहली बार बना रही हूँ। तो सबसे पहले तवे में इसको थोड़ा सा भून लेते हैं। तो मेरा यहाँ पे भट भून चुका है, इसको थोड़ा सा भूनना है, ज़्यादा नहीं भूनना है। तो अब मैं इसको पीस लेती हूँ। मैं तो सिलबट्टे में पीस रही हूँ, आप लोग चाहे मिक्सी में भी पीस सकते हो। इसको थोड़ा सा दरदरा ही रखना है, ज़्यादा बारीक नहीं करना है। तो अब करते हैं बनाने की तैयारी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ाई में तेल गरम होने के लिए रख दिया है। तेल गरम हो चुका है, अब सरसों डाल देते हैं थोड़ा सा। सरसों चटकने के बाद प्याज डाल देंगे। तो प्याज को थोड़ा सा ब्राउन होने तक भून लेंगे। तो मेरा यहाँ पे प्याज भून चुका है, अब इसमें मैं मसाले ऐड करूँगी। थोड़ा सा धनिया पाउडर, हल्दी, लाल मिर्च और नमक। फिर इसमें डाल दूँगी मैं लहसुन। तो हम मसाले को सब अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम डाल देंगे टमाटर। आप चाहे टमाटर डाल भी सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो। तो हमने यहाँ पे टमाटर डाल दिया है। अब सब मसाले को अच्छे से भून लेंगे। तो यहाँ पे अब हमारा मसाला हो चुका है रेडी, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ भट। अब इस पिसे भट को मसालों के साथ थोड़ी देर के लिए इसको भून लेते हैं, क्योंकि इस मसालों के साथ भूनेंगे तो इसका स्वाद और ज़्यादा आएगा। तो अब ये मसालों के साथ अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम बॉयल पानी डाल देते हैं और फिर पका लेते इसको थोड़ी देर, देखते हैं कैसा बनता है। तो मेरा यहाँ पे चोसा बनके हो चुका है रेडी, और खाते हैं गर्मा गर्म चावल के साथ। देखते हैं कि कैसा स्वाद हो रहा है इसका। और तो मैं आज का ये चोसा रेसिपी का ब्लॉग यहीं पे एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।